बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चों आप? कल हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? शाबाश अलिफ। कल हमने क्या पढ़ा था? अलिफ। आज हम बे का खानदान पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ना है? बे का खानदान। बे के खानदान में सबसे पहले कौन सा हर्फ आता है? बे। बे के खानदान में सबसे पहला हर्फ कौन सा आता है? बे। बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता। और आपको पता है कि बे हमेशा लाइन पे लेट के आता है। बे हमेशा लाइन पे लेट के आता है। ये है बे की पूरी शक्ल और ये है बे की आधी शक्ल। वेरी गुड। अब हम देखेंगे कि बे से क्या क्या चीजें बनती हैं। बे बा ब त, दोबारा बोलिए, बे बा ब त, शाबाश। बे बा बल्ब, बे बा बल्ब, बे बा बकरी, बे बा बकरी। बहुत अच्छे, एक दफा फिर मेरे साथ दोहराएं। बे बा ब त, बे बा बल्ब, बे बा बकरी। वेरी गुड। अब आपने ये बताना है कि इन तस्वीरों में जो बे से अल्फाज लिखे हुए हैं उनमें बे कहाँ है। देखिए, बहुत अच्छे। बे, बे कहता है ब, बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता। अब ये बताएं मुझे कि बल्ब में बे कहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत अच्छे। और आपको पता है कि बल्ब में कितने बे हैं? दो। बल्ब में कितने बे आ रहे हैं? दो। अब ये बताएं कि बकरी में बे किधर लिखा हुआ है। शाबाश, बहुत अच्छे, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलें बच्चों, अब हम आते हैं अपनी बे की कहानी की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी आज की अच्छी बात। हमेशा खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए और खाना ख़त्म करने के बाद अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खाना खाने को नहीं मिलता। तो हम जब खाना खाएं तो हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें खाने जैसी नेमत अता की। तो हमेशा खाना खाने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखें कि जब हम खाना खाना शुरू करने लगेंगे तो हमने क्या पढ़नी है? बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह किससे शुरू होती है? वेरी गुड, बे से। बे बा बिस्मिल्लाह। तो चलिए आए अपनी कहानी की तरफ। बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता। बे कहता है ब। अब ये देखें कि ये तस्वीर है। और अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि इस तस्वीर में जो सबसे अहम बात है वो क्या हो रही है? बेबा बारिश। क्या हो रही है? बेबा बारिश। मुझे ये बताएं कि जब बारिश होती है और हमारे पास छतरी भी नहीं होती तो हम बारिश में क्या पहनते हैं? शाबाश, बेबा बरसाती। बेबा बरसाती, बहुत अच्छे। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं इस तस्वीर में देख के कि बेबा बिलाल क्या कर रहा है। वो क्या कर रहा है? बेबा बिलाल बेबा बस्ता पहने अपने घर को जा रहा है। बेबा बिलाल बेबा बस्ता पहने अपने घर को जा रहा है। और बेबा बिस्मा बेबा बरसाती पहन के बेबा बारिश का मजा ले रही है। आप देखें तो बिलाल के पीछे क्या बना हुआ है? तालाब। और तालाब में कौन है? बेबा बत्तख। तालाब में कौन है? बेबा बत्तख। अगर आप आसमान की तरफ देखें तो आपको क्या नजर आएंगे? बेबा बादल। और बादलों के साथ ही देखें कुछ लाइनें नजर आ रही हैं, वो क्या है? बेबा बिजली। बेबा
बिजली। शाबाश, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो गए हैं। अच्छा जी, अब ये देखें आप कि बेबाब बख्तियार क्या कर रहा है। वो बेबाब बाल्टी में से पानी निकाल रहा है। क्या कर रहा है? बाल्टी में से पानी निकाल रहा है। और बेबाब बिलावल क्या कर रहा है? वो बेबाब ब्रश से मिट्टी लगा रहा है। वो बेबाब ब्रश से मिट्टी लगा रहा है। चले, ये तो हो गई हमारी बे की कहानी। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि इसके अलावा भी बे से बहुत सी चीजें बनती है, जैसा कि बेबा बिल्ली, बेबा बिल्ली, बेबा बिल्ली, शाबाश, बेबा ब्रश, बेबा ब्रश, बेबा बल, बेबा बल। वाह जी, बेबा बकरी, बेबा बकरी, बेबा बिस्तर। आपको पता है जब हम बहुत थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं? बेबा बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। आपने इसको याद भी करना है, पढ़ना भी है, और आपने खुद भी बे से और भी चीजें सोचनी है कि बे से और कौन कौन सी चीजें हैं जो बनती हैं। इंशाल्लाह कल नए हर्फ के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।